नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं पात्रता पर्ची के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अभी आदेश आया था एक नया, उसमें यहाँ पर जानकारी दी गई कि आपको संबल कार्ड अगर आपके पास में है तो आप पात्रता पर्ची के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब राशन कार्ड आपको मिलेगा, पात्रता पर्ची आपको मिलेगी, उसके साथ माध्यम से आप राशन कार्ड ले सकते हैं अगर आपके पास में संबल कार्ड है तो। तो इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी देखने को मिल जाएगी कि अगर आपके पास में भी संबल कार्ड या फिर ई श्रम कार्ड है तो आपको कैसे अप्लाई करना है और यहाँ पर आपको राशन कैसे मिलेगा, पात्रता पर्ची आपकी कैसे बनेगी, उसकी पूरी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि यहाँ पर जो संबल कार्ड है या ई श्रम कार्ड है वो अगर आपके पास में है तो आपको यहाँ पर राशन कैसे मिलेगा, कैसे आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना है या फिर कैसे आपको यहाँ पर इसके लिए जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि अगर आपके पास में संबल कार्ड है या फिर ई श्रम कार्ड है तो आप यहाँ पर राशन कैसे ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि यहाँ पर जितने भी श्रमिक हैं उन सभी श्रमिकों को यहाँ पर राशन मध्य प्रदेश सरकार देगी। तो यहाँ पर जो अगर आपके पास में संबल कार्ड या फिर ई श्रम कार्ड है तो आप यहाँ पर बिल्कुल राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे आपको मिलेगा इसकी पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसे नई नई वीडियो देखने को मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पर बताते पूरी जानकारी कि यहाँ पर जो संबल कार्ड या फिर ई श्रम कार्ड है इसके माध्यम से अगर आपको राशन लेना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा और यहाँ पर जो है पात्रता पर्ची कैसे बनेगी। तो यहाँ पर सभी के लिए है, यहाँ पर इसमें आपको चलिए बताते पूरी जानकारी कि यह संबल कार्ड है, संबल कार्ड से आपको राशन कैसे मिलेगा, ई श्रम कार्ड से आपको राशन कैसे मिलेगा, इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सभी श्रमिकों को राशन मध्य प्रदेश सरकार देने का फैसला ले चुका है। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी यहाँ पर नवीन श्रेणी में असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक है उन श्रमिकों को जोड़ने का फैसला लिया है। तो पात्र श्रमिकों को यहाँ पर जो देख सकते हैं पात्रता पर्ची जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो जिनके पास भी यहाँ पर संबल कार्ड है उन सभी को यहाँ पर जो है राशन मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर इस संबंध में देख सकते हैं यहाँ पर कि समस्त संबल कार्डधारी एवं ई श्रम कार्डधारकों से अपील की जाती है। मतलब यहाँ पर अगर आपके पास में संबल कार्ड है या फिर ई श्रम कार्ड है तो यहाँ पर आपको अपना संबल कार्ड और यहाँ पर ई श्रम कार्ड और समग्र आईडी और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको आपके ग्राम पंचायत में देना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये अप्लाई फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन है ये डायरेक्टली आपको अपनी ग्राम पंचायत में सुविधा दी गई है। तो अगर आपको भी आपकी पात्रता पर्ची बनानी है या फिर राशन लेना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर संबल कार्ड या फिर ई श्रम कार्ड होना अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों कार्ड के माध्यम से आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर राशन के लिए आप पात्र हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर मैंने बताया संबल कार्ड, ई श्रम कार्ड और यहाँ पर समग्र आईडी और परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको देनी होगी संबंधित ग्राम पंचायत में। अगर आप यहाँ पर शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको नगर पालिका कार्यालय में संपर्क करना है ताकि यहाँ पर आपकी पात्रता पर्ची बनाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सके। तो इसकी जानकारी आपको पूरी समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पर जो संबल कार्ड या फिर ई श्रम कार्ड अगर आपके पास में है तो आपको पात्रता पर्ची कैसे बनेगी, इसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा। मैंने डिटेल में आपको जानकारी पूरी दे दी है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो संबल कार्ड या ई श्रम कार्ड से राशन मिलने की जो प्रक्रिया बनाई गई है इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद आपको यहाँ पर जो पात्रता पर्ची बनेगी, पात्रता पर्ची जो है उसके माध्यम से आपको राशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसे नई वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरह। तत्ले वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।